राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। दुर्ग जिला शिक्षा विभाग ने कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अविस्मरणीय पहल की। और कोरोना संकट के दौर में बस्तर के वनवासियों को तेंदुपत्ता संग्रहण से मिला आमदनी का जरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए गए। 10वीं के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा के लिए 4,67,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया था। इनमें से करीब 6,000 उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। शेष सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन परिणामों की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री टेकाम ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष डॉ. आलोक शुक्ला और प्रोफेसर वी के गोयल सहित मंडल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। रिजल्ट में 96% से अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम जारी किए जाने की वजह से इस वर्ष प्रावीण्य सूची घोषित नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का भी प्रावधान नहीं होगा। जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होंगे, उन्हें आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार के लिए सम्मिलित होने की पात्रता दी जाएगी। देश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर भी बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 3,89,000 से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हुए। देश में इस समय लगभग 32,26,000 सक्रिय मामले हैं। कल 2,67,000 से अधिक नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं कल कोरोना संक्रमण से करीब 4,500 लोगों की मृत्यु हो गई। देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ये एक दिन में मृतकों की सबसे अधिक संख्या है। इधर छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण के मामलों में कमी आई है। कल 6,477 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। कल प्रदेश में 153 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। फिलहाल राज्य में 90,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 18,58,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 13,12,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण जारी है। कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ में ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मितानिन प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। मितानिन दीवारों पर जागरूकता संदेश लिखकर लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित कर रही हैं। इतना ही नहीं, मितानिन स्थानीय लोगों को संक्रमण से बचाव के उपाय बताने के साथ ही घरों से बेवजह बाहर न निकलने की समझाइश भी दे रही हैं। अंतागढ़ के वार्ड नंबर 14 की मितानिन मिथलेश खापरडे ने बताया कि जागरूकता अभियान का बेहतर परिणाम सामने आ रहा है। और अभी हम लोग को कोरोना के चलते हुए दीवार लेखन के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग दीवार लेखन कर रहे हैं। दीवार लेखन के चलते पारा वाले से बहुत मतलब जागरूकता हो रहा है और दीवार लेखन में लिख रहे हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं,
उसके बारे में भी लिखे हैं। नहीं किसी से हाथ हाथ मिलाए, नमस्ते से काम चलाए। इसी तरह कोंडागांव जिले के गांव में भी शिविर लगाकर ग्रामीणों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम खुद गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके तहत गांव में वरिष्ठ जनों, गायता, पुजारी, चालकी, पंच और सरपंचों की उपस्थिति में सभाएं आयोजित की जा रही हैं और टीकाकरण अभियान के सफल आयोजन की कोशिश हो रही है। श्री मतलाम ने बताया कि उन्होंने भी वैक्सीन लगाई है और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए अब तक पहाड़ी और अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित करीब 90 गांवों का दौरा कर चुके हैं। उन गांवों तक पहुंचा जहां पे शासन का विरोध हो चुका था और जाकर उनकी भाषा में, उनके क्षेत्र में गोंडी भाषा हो चाहे स्थानीय बोली के क्षेत्र में, मैं लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया और जिसके कारण जहां एक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उन पंचायतों में भी 100 में 100 वैक्सीनेशन हुआ। बस्तर संभाग के अन्य जिलों में भी जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीणों से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी COVID-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में कई शिक्षकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन शिक्षकों की स्मृति में दुर्ग जिला शिक्षा विभाग ने अविस्मरणीय पहल की है। कोरोना की दूसरी लहर में जिले के 46 शिक्षकों की मृत्यु हो गई। दुख की इस घड़ी में सभी विकास खंडों के प्राचार्यों, संकुल समन्वयकों और शिक्षकों ने दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अभिनव प्रयास किया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल की अपील पर सभी शिक्षकों ने राशि दान की और केवल 3 दिनों के भीतर करीब 17 लाख रुपए एकत्र किए गए। इस राशि से ऑक्सीजन सुविधा वाले 46 बेड और ऑक्सीमीटर की खरीदी की गई। कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों की स्मृति में ये सामग्री जिले के सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी गई। श्री बघेल ने बताया कि विभाग के सभी कर्मचारियों की मदद से ये पुनीत कार्य संभव हो सका। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक अभियान चलाया जिसमें स्वेच्छा से जो शिक्षक जितनी भी राशि दे सके उसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। सभी शिक्षकों ने, सभी प्राचार्यों ने, तीनों विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने सबके सामूहिक सहयोग से लगभग 18 लाख के करीब राशि इकट्ठा हुई जिससे हमने पूरे जिले में अलग अलग केंद्रों में लगभग 55 ऑक्सीजन वैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है। दुर्ग जिला शिक्षा विकास अधिकारी डॉक्टर के वी राव ने उम्मीद जताई कि इस प्रयास से दूसरों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। इस बीच बिलासपुर में मस्तूरी के लोगों ने भी कोरोना से जंग में आपसी सहयोग से अनूठा योगदान दिया है। मस्तूरी और परसदा के बीच बंद पड़े आदिवासी हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील करने के लिए स्थानीय लोगों ने जन सहयोग से 10 लाख रुपए की राशि जुटाई। इस राशि से इस सेंटर में 30 बिस्तरों की सुविधा के साथ ही अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 10 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तर भी शामिल हैं। जिला कलेक्टर सारांश मित्तर ने इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया और लोगों की इस पहल की सराहना की। देखिए, मस्तूरी में 34 बेडेड कोविड केयर सेंटर का आज प्रारंभ कर दिया गया है और इसमें हमारे 15 बेड्स ऑक्सीजनेटेड हैं
जिसमें ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर्स का और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के माध्यम से ऑक्सीजन पेशेंट्स को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इस कड़ी में है, बिलासपुर ज़िले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यालय में हमारे पर्याप्त सुविधा है चिकित्सा की, लेकिन पेरिफ्री और ग्रामीण अंचलों के अंदर भी हमें आवश्यकता महसूस हो रही है कि लोगों को बहुत असुविधा ना हो। हम लोगों ने प्रयास करके बिल्हा से स्टार्ट किया था, बिल्हा में हुआ, रतनपुर हुआ, तखत पर हुआ, और आज उसी कड़ी में हमारा मस्तूरी के अंदर भी कोविड केयर सेंटर। मस्तूरी के SDM पंकज डाहिरी ने बताया कि इस कोविड सेंटर में कार्य करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था भी कर ली गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि कोरोना संकट के इस दौर में वनवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के वन क्षेत्रों में अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह से संग्रहण का कार्य जारी है। इस वर्ष राज्य में 16,71,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 8,16,000 मानक बोरा से अधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण हो चुका है, जो कि लक्ष्य का आधा है। बस्तर की वन मंडल अधिकारी स्टाइलो मंडावी ने बताया कि संग्रहण के कार्य में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। कोरोना के सेकंड वेव आने के बाद में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारे वनवासी भाई बहनों ने बहुत ही अच्छे से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया है, जिसमें स्वयं उन्होंने उल्टाई पलटाई का काम किया, साथ में बोरा भर्ती का काम भी यहाँ के हमारे वनवासी भाइयों बहनों ने किया, जिससे उनको एक और तेंदुपत्ता कलेक्शन में जो पारिश्रमिक भुगतान होता है उसके अलावा इनको एक बोरा भर्ती में भी उनको अलग से एक उनको रोजगार का अवसर मिला। और 25,100 मानक बोरा जो हमारा लक्ष्य था उसके अगेंस्ट उन्होंने लगभग 15,000 मानक बोरा का संग्रहण किया है, और जिसकी पारिश्रमिक लगभग 5,91,00,000 इनको भुगतान किया जाना है। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष तेंदुपत्ते की संग्रहण दर ₹4,000 प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि जल संरक्षण सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व है। लोगों को पानी बचाने के प्रति सजग रहकर अपने स्तर पर सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। ये बात राज्यपाल ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा जल संरक्षण के लिए कैच द रेन विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। वेबिनार के मुख्य वक्ता मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉ. राजेंद्र सिंह थे। श्री सिंह ने विश्वविद्यालयों में जल संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों को शामिल करने पर जोर दिया। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के उद्देश्य से इस वेबिनार का आयोजन किया गया। और बेसिक इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यपाल गण को ये निर्देशित किया था कि अपने अपने राज्यों में सभी विश्वविद्यालयों को जन जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें, उसी श्रृंखला में कार्यक्रम था। इसमें जो प्रमुख बात थी, राज्यपाल महोदया जो माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी इसमें शामिल हुई, उन्होंने जल संरक्षण पर बहुत अच्छा संदेश दिया। और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री राजेंद्र सिंह जी हैं, जो मैग्सेसे पुरस्कार जिनको मिल चुका है, उन्होंने जल संरक्षण की जो बेसिक बातें हैं उससे हमारे छात्रों को, प्राध्यापकों को, कर्मचारियों को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात सबसे पहले उभर के आई कि जो हमारे धान के खेत हैं जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। उनमें जब पानी भरा रहता है तो काफ़ी अंदर तक वो पानी जाता है। और दूसरी बात ये हुई कि जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हों चाहे महाविद्यालय हों, महामहिम राज्यपाल मैडम ने कहा कि आप सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो संरचना प्रणाली को जरूर से स्थापित करें। इस वेबिनार में करीब 25 विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्राध्यापक वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के परिणाम घोषित किए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। दुर्ग जिला शिक्षा विभाग ने कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अविस्मरणीय पहल की।
और कोरोना संकट के दौर में बस्तर के वनवासियों को तेंदुपत्ता संग्रहण से मिला आमदनी का जरिया। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।